डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज ओनली, वी डोंट प्रोवाइड एनी टिप्स। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ना स्कैनर के ऊपर। पिछले बार कुछ लोगों ने बोला था ना स्कैनर चाहिए करके, तो स्कैनर के ऊपर ही हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्कैनर को यूज़ कर सकते हैं, कैसे इंट्राडे के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्कैनर मैंने बना के रखे हुए हैं, जैसे मान लो हमको पोजिशनल ट्रेड लेना है, जैसे आज हमने ट्रेड लिया एक दो दिन के लिए, हमको पोजिशन को कैरी ओवर करना है, तो उसके लिए हमको क्या कंडीशन देखनी है। तो जैसे एक स्कैनर है, ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा, है ना। तो उसके लिए हमने कंडीशन क्या रखा है कि डेली RSI 70 से ऊपर होना चाहिए, 1 आवर का RSI 70 से ऊपर होना चाहिए और 15 मिनट का RSI 62 के ऊपर होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन सी कंपनी आई हैं, जैसे अभी करंट में आप देखोगे तो ये दो कंपनी दिखा रहा है, और अगर पास्ट हिस्ट्री देखना है तो नीचे में हिस्ट्री सेक्शन है, इसमें दिख जाता है, ठीक है। तो जैसे पिछले दिन में ही अगर हम देखेंगे तो करीब 9:15 को कोई कंपनी आया था, एक बार देख लेते हैं, 9:15 को और 9:30 को दो कंपनी आया था, तो देख लेते हैं। इंटर ग्लोब एविएशन 9:30 को आया था, और इसके पहले आया था हमारा 9:15 को टेलीकॉम में इंडस टावर। तो इंडस टावर का हम चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। ये इंडस टावर का था, सिग्नल हमको पहले ही मिला, फर्स्ट ये कितने बजे मिला था वो देख लेते हैं। टाइम है 9:15 का, तो 9:15 मतलब फर्स्ट कैंडल पे ही एंट्री मिल गया था, R2 का टारगेट आपका कंफर्म मिल जाना था। तो ये वाला स्कैनर भी यूज़ करते हो ना तो आपको इमिडिएटली सेम डे में प्रॉफिट मिल जाएगा। और अगर हम दूसरा स्कैनर यूज़ करते हैं तो जैसे स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करना है, तो जैसे मारुति का है, तो मारुति का जैसे सिग्नल मिला है, हिस्ट्री में जाएंगे तो पहले एक दो दिन पहले का देख लेते हैं। तो 22 तारीख को आया था 9:15 को, ठीक है, 22 मार्च को 9:15 को आया था मारुति। दो स्कैनर है, एक स्कैनर ये है जिससे आप पोजिशनल ट्रेड ले सकते हो अपसाइड के लिए, है ना। तो इसमें हमको कंडीशन ये ध्यान रखना है कि वीकली RSI जो है 70 के ऊपर होना चाहिए, डेली RSI 70 के ऊपर होना चाहिए, और 1 आवर का RSI 62 इसलिए रखा है क्योंकि 60 पे कई बार क्या होता है, 60 तक आता है और 60 से पहले ही वो स्विच कर जाता है, तो जब अगर 60 के नीचे आके भी ऊपर उठेगा तो भी 62 पकड़ में आ जाएगा, और 60 के पास से अगर रिवर्स होता है तो भी पकड़ में आ जाएगा। 60 रखने से कई बार वो पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसको 62 रखा हुआ है ना। तो जो भी कंपनी आपके लिस्ट में आएगा उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो जैसे मारुति आया था तो मारुति में आपको जो लेवल मिला था वो 11,400 के आसपास था, यहाँ पे अगर हम देखेंगे 9:50 का कैंडल में 11,931, और ये हाई बनाया है अभी पिछले 2 हफ्ते के अंदर ही, बहुत बड़ा टारगेट मिला है। और सेम वीक में भी अगर देखेंगे तो अगर कोई 19,955 पे एंट्री किया रहता तो सेम वीक में भी 12,400 आ गया था। तो 500 नो, देयर इज नो क्राइटेरिया लाइक 1 वीक और 2 वीक। इफ यू हैव कंफर्टेबल प्रॉफिट यू कैन बुक इमीडिएटली। क्यों आपको करना है, अगर आपने मान लो 50,000 रुपीज़ लगाया है और अगर वो 50,000 का 1 लैक्स हो गया है तो क्यों आप होल्ड करोगे, right. है ना। तो अकॉर्डिंगली आपको वेट करना है कि आपका कंफर्टेबल प्रॉफिट हो गया, तो वेयर यू विल गेट कंफर्टेबल प्रॉफिट दैट टाइम यू कैन बुक योर प्रॉफिट। अदरवाइज सिंपली होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग इट इज़ नॉट गुड। समटाइम्स आई यूज टू से कि भाई मैं यही बोलता हूँ ना कि अगर सेम डे में हमको बड़ा प्रॉफिट हो गया तो हम क्यों नेक्स्ट डे के लिए वेट करेंगे, क्योंकि कल क्या होगा कोई नहीं बोल सकता है ना, ठीक है, वो हमारा प्रेडिक्शन है, हमारा एनालिसिस है, सब कुछ है। लेकिन मान लो किसी वजह से मार्केट में क्रैश हो गया तो आपका कितना भी स्ट्रांग शेयर रहे वो गिर जाएगा। अगर सेम डे में आपको अच्छा प्रॉफिट मिल गया तो सेम डे में बुक कर लो, ठीक है। तो ये एक तो है कि आपका अगर सेम डे में कंसोलिडेट कर गया तो आपको होल्ड करना है, आप नेक्स्ट डे के लिए कैरी ओवर कर सकते हो, रिस्क मिनिमम है, प्रॉफिट इसमें बहुत अच्छे हो सकते हैं। और दूसरा स्कैनर है जो सेम डे के लिए है, तो सेम डे के लिए हमको इसको यूज़ करना है, ठीक है।
तो सेम डे में कर सकते हैं। अगर शाम को 3 बजे के बाद अगर मिलता है तो शाम को 3 बजे के बाद मिलता है तो नेक्स्ट डे के लिए कैरी ओवर कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जैसे ही ये ओपन होगा इमिडिएटली आपको एग्जिट कर देना है। तो ये भी बहुत बढ़िया काम करता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी आप लोग रेंडमली आप लोग बताइए कि कितने बजे वाला लेना है, तो सेम डे का ट्रेड है तो कोई भी एक रेंडमली ले लेते हैं। सीमेंस 26 मार्च 10 AM है ना, सीमेंस टाइम क्या था, 10 AM 26 मार्च 10 AM यहाँ पे मिला था, उसके बाद भी ये मूव किया है ऊपर की ओर। तो यहाँ पे अगर आप 10 AM का देखेंगे तो 10 AM में सिग्नल मिला है, ये R1 प्रीवियस डे हाई पे ही मिला है। उसके बाद आपका R2 तो कंफर्म गया है, नेक्स्ट डे करने से तो ये बहुत बड़ा टारगेट मिल गया है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आपको 15 मिनट का कैंडल यूज़ कर रहे हैं हम लोग तो नेक्स्ट डे का भी कैरी ओवर कर सकते हो, है ना। क्वांटिटी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, अगर सेम डे वाला है तो सेम डे में कम क्वांटिटी से करना है, अगर कैरी ओवर करना है तो कम क्वांटिटी में ही कैरी ओवर करेंगे, है ना। पोजिशनल के लिए दो है तो दोनों बहुत बढ़िया काम करता है, आप लोग देखेंगे ना। तो अगर जो लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं ना उनके लिए तो एकदम परफेक्ट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। फ्यूचर भी कर सकते हैं सिर्फ या फिर सिर्फ कैश में करना है? फ्यूचर में आप चाहो तो कर सकते हैं, वो आपका अपना रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ्यूचर में मैं बोलूंगा कैरी ओवर करना, आप अपना डिफाइन कर लेना भाई लॉस उसके बाद, है ना। कैश में करना बेहतर है, कैश में तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि वो सुपर बुलिश है। ये भी बोल रहा हूँ कि ये वन वे भागेगा, तो कैश में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कैश में आप क्वांटिटी आप अपने कंफर्ट के हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर में क्या है कि आपको लॉट साइज ही लेना पड़ेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि मार्केट हमको एनालिसिस या सब कुछ दिखा रहा है कि ऊपर जाएगा, और मान लो किसी दो कंट्री के बीच में वार स्टार्ट हो गया तो क्या होगा नेक्स्ट डे, है ना। तो वो कंडीशन को आपको बचना है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट लाइफ टाइम हाई के पास है, लाइफ टाइम हाई के पास है, तो गिरने में क्या है बहुत फास्ट आएगा, बढ़ने के लिए फिर भी वो टाइम लेगा। लेकिन हमारा जो सेटअप है या जो स्कैनर मैंने बनाया है वो क्या है कि बढ़ेगा भी तो बहुत फास्ट बढ़ेगा, क्योंकि एकदम हाई मोमेंटम वाला ही स्टॉक पिकअप में आएगा, छोटा मोटा स्टॉक इसमें आएगा ही नहीं, है ना। तो हम लोग अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करते तो हमको फास्ट मोमेंटम चाहिए, इसीलिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए स्पेशली इसको दिया हूँ, कि जो लोग ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी दिन मान लो कोई मेजर इंसिडेंट हो जाता है, ग्लोबली कुछ हो जाता है, तो वो तो एकाध दिन ही होगा ना, 2 महीने 3 महीने में। बट जो तो स्टॉक ऑप्शंस में कर सकते हैं इसमें, इसको स्टॉक ऑप्शन में बिल्कुल कर सकते हैं, और कैश में भी कर सकते हैं, कैश में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कैश में भी आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। तो दो स्कैनर है, कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। पहला स्कैनर है हमारा जो कि पोजिशनल है, पोजिशनल है तो वीकली RSI 70 के ऊपर चाहिए, डेली RSI 70 के ऊपर चाहिए, और 1 आवर का जो RSI है वो 62 के ऊपर चाहिए। तो उसके ऊपर जैसे मान लो मैं कैंडल लगा देता हूँ 1 आवर, क्योंकि पोजिशनल रखना है तो 1 आवर का कैंडल लगाना है, ठीक है। तो आपको ये CPR सेटअप के हिसाब से भी वेरीफाई कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे RSI आप लगा सकते हो, RSI में भी जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न बना, यहाँ RSI ने क्रॉस ओवर दिया, तो इसी लेवल पे अगर RSI से भी एंट्री होता है तो लेवल था 46 4643, और ये वन वे गया है कहाँ तक, ये एग्जिट आपको दिया है इस लेवल पे, ये देख रहे हो SMA का क्रॉस ओवर, नीचे देख पा रहे हैं SMA का क्रॉस ओवर, ये किस लेवल पे दिया है क्रॉस ओवर, ये लेवल दिया है 5316, और यहाँ पे एंट्री दिया था 4636, तो करीब मतलब 700 पॉइंट का मूव मिल गया है जस्ट एक हफ्ते के अंदर, ठीक है। जैसे मारुति में मिला था तो मारुति का देख लेते हैं, मारुति में 22 तारीख को मिला था ना,
है ना, तो 20-21 22 तारीख को इस कैंडल पे मिला है। तो ये लेवल था 11,950 और वन वीक के अंदर आपका आ गया है 12,729, मतलब 700 पॉइंट दो दिन, मतलब विद इन वन वीक मिल गया है। वैसे तो 3 दिन में ही मिल गया है, बट विद इन वन वीक मिल गया है। तो ये दोनों स्कैनर मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। अब आप लोग का जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है वो ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग का जो भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट है वो ले लेते हैं। सर ये जो पोजिशनल वाला है उसको राम कितने कौन से टाइम पे करेंगे? किसी भी टाइम रेंडमली आप कर सकते हो। वैसे तो आप चाहो तो इसमें अलर्ट लगा सकते हो, अलर्ट लगाने का ऑप्शन है। जैसे ही स्कैन पे आएगा आप अलर्ट लगा सकते हो, तो यहाँ पे अलर्ट लगाने का ऑप्शन है, बट ये पेड है इनका। पेड वाला में अलर्ट है? हाँ, पेड वाले में अलर्ट है, क्योंकि मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे, चार्टिंग वालों का है। तो चाहो तो आपको अगर रन नहीं करना है मैनुअली तो आप अलर्ट लगा सकते हो, और मैनुअली रन करना है तो आप बीच बीच में लगा के देख लो ना। कोई ये पोजिशनल वाला तुरंत आपका ऐसा नहीं होगा कि वन वे भाग जाएगा। मार्केट आवर में आप 9:30 को लगा लो एक बार स्कैनिंग, 9:30 के बाद आप 10:30 को लगा लो, जब बीच बीच में आप लगा के देख लो कहीं कोई कंपनी आया है क्या, और जो भी स्कैन करोगे उसके हिसाब से आप देख लेना, है ना। जैसे ये है हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। कोई कंपनी आता है, सपोज 1:30 PM पे कोई एक कंपनी आता है जी स्कैनर में जी, तो उसको इमीडिएट ले लेना है या वहां पे फिर जाके चेक करना है कि चेक बिना किए कैसे लेंगे? आपको इधर से वेरीफाई करना है ना रेंडमली नहीं लेना है। CPR इज अल्टीमेट, CPR से आपको वेरीफाई कर लेना है कि भाई मैं जो पोजीशन ले रही हूँ वो सही है कि नहीं है। okay. है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा सेटअप किस पे काम करता है? CPR पे काम करता है, और इधर पे वेरिफिकेशन के लिए हमने RSI यूज़ किया है। 60 के ऊपर होता है तो स्ट्रांग एरिया है, 60 के ऊपर में अगर SMA का क्रॉस ओवर नीचे होता भी है तो आपको पुट बाइंग नहीं करना है, ये गलती नहीं करना है। पुट बाइंग करने के लिए SMA के नीचे जो क्रॉस ओवर होना चाहिए वो 60 के नीचे में क्रॉस ओवर होना चाहिए। है ना, वो गलती नहीं करना। कई लोग क्या बोलता है कि क्रॉस ओवर नीचे दिया RSI, मैंने नीचे का पोजीशन ले लिया, यार नहीं लेना है। 60 के ऊपर है तो वो कभी भी बाउंस हो जाएगा, है ना। तो बुलिश वाले में आपको जैसे सीमेंस है, कमिंस है, ये आपको मिला है किस बजे? तीन पंद्रह बंद होते होते मिला है ना। बंद होने के पहले देख लेते हैं, 1:30 कमिंस। यहाँ पे मिला है आपको एंट्री, यहाँ पे मिला है, उसके बाद बंद ऊपर हुआ है। अब नेक्स्ट डे देखना पड़ेगा कहाँ पे ओपन होता है। तो आपको जब मार्केट अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड का ही स्कैनर यूज़ करना है, डाउन ट्रेंड का स्कैनर यूज़ नहीं करना है। दो कंडीशन को जरूर ध्यान रखना है, है ना। अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का ही स्कैनर ही यूज़ करेंगे। डाउन ट्रेंड का स्कैनर बहुत कम काम करता है, क्योंकि जो गिरावट आता है मार्केट में वो कुछ दिन के लिए आता है, फिर से मार्केट ऊपर उठ जाता है। अभी पिछले 1-2 साल का अगर हम सिनेरियो देखो तो यही है, है ना। गिरावट आता है तो कुछ दिन के लिए आता है, उसके बाद फिर से ऊपर हो जाता है। लेकिन अगर आपको लगेगा कि ओवरऑल ट्रेंड रिवर्ट हो चुका है, या 1 आवर के कैंडल में ट्रेंड रिवर्सल CPR मिल गया है, तो जैसे अभी आप देखोगे कि वीकली CPR के हिसाब से ये ट्रेंड क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड दिख रहा है, अप ट्रेंड है ना अभी। yes. तो जब अप ट्रेंड है तो आप अप ट्रेंड का ही शेयर को शॉर्ट लिस्टिंग करोगे। तो जो भी शेयर आप शॉर्ट लिस्टिंग करोगे, ये दो स्कैनर है, दोनों स्कैनर को आप यूज कीजिए, अपने से प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों स्कैनर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। जो लोग शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं, जो इंट्राडे करते हैं, उनको सीधा सीधा यही स्कैनर यूज करना है इंट्राडे में। मार्केट डाउन ट्रेंड में भी रहेगा तो भी ये आपको अच्छा शेयर दे देगा इंट्राडे में। सर इंट्राडे वाला स्कैनर कितने बजे रन करना है? वो सर वो देखिए, या तो आप अलर्ट लगा लो कि जब वो स्कैनिंग में आए तो ऑटोमेटिकली आपको सिग्नल मिल जाए, बट ये क्या है, चार्टिंग वाले लोग का पेड वर्जन है जिसमें अलर्ट लगाने का ऑप्शन है।
और मैं तो बोलता हूँ कि 9:30 को एक बार स्कैन कर लीजिए, 9:20 को स्कैन कर लीजिए, और उसके बाद अगर उस समय कोई कंपनी नहीं मिलता है तो नेक्स्ट आपको हर 15-20 मिनट या एक घंटे में स्कैन करके देख लेना है कि कोई आया है कि नहीं। अगर आप स्कैन कर रहे हो उस समय नहीं दिख रहा है, लेकिन पहले कोई स्कैन में आ गया तो इधर हिस्ट्री में दिख जाता है, बैक टेस्ट हिस्ट्री जो ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको नीचे में दिख जाएगा। तो जब आप क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पे कंपनी दिख जाएगा कि पहले कौन कौन सा कंपनी आया है। राइट सर, है ना। जैसे जो पोजीशन वाला है हमारा, उसमें हम बैक डेट में भी कोई शेयर जो होगा। हाँ, पोजीशनल वाले में देख लीजिए ना, ये पोजीशनल वाला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे बैक डेट का देखना है तो इधर हिस्ट्री में दिख जाएगा, और सेम डेट पे अभी मारुति सुजुकी दिख रहा है कि ऊपर जाएगा, है ना। लेकिन अगर बैक डेट में भी देखोगे तो जैसे कोई भी एक कंपनी एक रेंडमली पिक कर ले, मारुति आया 22 मार्च का, तो मैंने दिखा दिया आपको ना, मारुति 22 मार्च को आया था, आप देख लीजिए 22 मार्च को 9:15, ये कितने बजे, 9:15 को आ गया था ना 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को 9:15 को यहाँ पे आ गया था। तो यहाँ पे आप देख लो, लेवल था आपका 11,963 और विद इन 3 डेज ये आ गया 12,700। तो जो लोग स्टॉक ऑप्शन में ट्रेड किए होंगे उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गया होगा, 700 पॉइंट्स का मूव बहुत बड़ा मूव होता है एक्चुअल में 3 डेज में। हाँ, वो ले सकते हैं ना, वो ले सकते हैं, लेकिन वो CPR सेटअप के साथ वेरीफाई करने के बाद ही लेंगे आप। CPR सेटअप में देख लेना SMA के ऊपर क्रॉसिंग होना चाहिए, है ना, या फिर 60 के ऊपर होना चाहिए। दो कंडीशन है, या तो SMA के ऊपर होना चाहिए या 60 के ऊपर है तो पोजीशन बना सकते हो, अगर वो SMA के नीचे है तो अवॉइड करना है। तो आपको पता है हायर टाइम फ्रेम पे तो ऊपर ही है, और लोअर टाइम फ्रेम पे भी आपको 60 के ऊपर है, मतलब कहीं कोई डरने झिझकने का जरूरत नहीं है। ये नहीं करना है कि अब मान लो 500 का शेयर है, वो वहां से 10% भाग गया, उसके बाद नहीं लेना है ना, आपको वहीं पे एंट्री लेना है जहां पे आपको सिग्नल मिले, थोड़ा बहुत 5-10 मिनट ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन बहुत पीछे हो गए तब पूरा सिस्टम से वेरीफाई कर लेना, या पोजिशनल वाला टाइम फ्रेम यूज कर लेना चेक करने के लिए, है ना। CPR के साथ ऐड नहीं कर सकते क्या, क्योंकि आजकल ट्रेडिंग व्यू में सिर्फ दो ही इंडिकेटर है जो आप फ्री वर्जन में लगा सकते। नहीं, आप फायर्स में चले जाओ ना, फायर्स में तो है, सब अवेलेबल है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं ओवर करते हैं। होप जो भी आप लोग का डाउट था मैं क्लियर कर पाया हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।